महाराष्ट्र का महासंग्राम एक तरीके से कहा जाए, अब 2 से 4 दिनों का वक्त बचा वोटिंग होगी, लेकिन मेरे साथ तमाम जो प्रत्याशी वो चुनाव मैदान में मेरे साथ बात करने के लिए एनसीपी की तरफ से मौजूद है। सर, आपसे जिस तरीके से जानना चाहूंगा, ये महाराष्ट्र का महासंग्राम इस बार काफी दिलचस्प हो गया है। 15 साल पुराना आपका और कांग्रेस का गठबंधन टूटा, क्या ये चीज जनता के बीच में भी पा रहे हैं कि जनता नाखुश है? डेफिनेटली काफ़ी टाइम दिया जा चुका है, अभी तक आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के ही अक्सर सीएम बन चुके हैं। बोरोश डेफिनेटली हमारे को उसका बेनिफिट मिलना है, क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, आमदार हैं, उन्होंने काम करके बताया लोगों को, और हम कर्तृत्व में बिलीव करते हैं। जो खास करके औरंगाबाद में सड़क की समस्या है, सड़कें सही नहीं है, बदहाल हैं, उसके बाद महिला सुरक्षा की बात किया जाए, जो सरकारी चिकित्सालय है जहां पर एक गरीब आदमी को मुफ्त इलाज मिल सकता है, वो सारी समस्याएं एक तरीके से कहा जाए 10 की 10 पड़ी हुई हैं। आपकी प्राथमिकताओं में क्या क्या होगा, आपका एजेंडा क्या क्या होगा? सर, डेफिनेटली हर आदमी चाहता है कि डेवलपमेंट हो, हमारे सिटी का डेवलपमेंट हो, हमारे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी इन द सेंस ऑल कम्युनिटी इन द सेंस पूरे पब्लिक जो हमारे मतदार संघ में आती है, सभी का डेवलपमेंट हो, और इनडायरेक्टली इट्स द डेवलपमेंट फॉर द नेशन। तो डेवलपमेंट हमारा जो एजेंडा, नेशनल एजेंडा के ही साथ में हम लोग चलने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर बात करें एनसीपी की, जिस तरीके से अभी चुनाव का समर चल रहा है, क्या क्या आपके मुख्य मुद्दे होंगे आम जनता के लिए, अगर नेशनल स्तर पे बात करें या फिर आपके रीजनल स्तर की बात करें, दोनों बातें मैं आपसे पूछूं। नेशनल लेवल पे तो पवार साहब ने जो भी स्टेप्स लिए वो पूरे लोगों को, पूरे समाज को लेके, महिलाओं को लेके, वो डेफिनेटली हमारे आप एजेंडा के अंदर, एनसीपी के एजेंडा में आप देख पाएंगे कि सभी समाज को, सभी वर्गों को लेके चलने का काम पवार साहब ने किया, वो चाहे यूथ हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे किसान हो। हमारे यहाँ की आम जनता के जुबान पे आपके पिताजी का भी नाम लगातार रहता है, क्योंकि राजनीति में लंबा अनुभव रहा था, उसके बाद अब आपको आम जनता ने चुना है, अंतिम संदेश इन्हें क्या देना चाहेंगे विकास की बात की अगर करें तो? सर, डेफिनेटली अभी 15 साल से जो डेवलपमेंट की, सिर्फ डेवलपमेंट के नाम से बात हो रही है, अभी डेवलपमेंट एक्चुअल दिख नहीं रहा है, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ के ऊपर ही हम डेवलपमेंट बता रहे हैं, डेवलपमेंट ये नहीं है, डेवलपमेंट एक स्टेप्स ऊपर जाने की बात है, डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट का नाम है, तो डेफिनेटली हम उसको आने के बाद डेफिनेटली ओवरऑल डेवलपमेंट आपको दिखेगा।